गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी शीतल मिस, योर मैथ्स टीचर, सिल्वर बेल स्कूल, मानसरोवर, पालनपुर। इन लास्ट पार्ट वी कंप्लीटेड एक्सरसाइज 3.6। सो इन एक्सरसाइज 3.6 आप लोगों ने HCF के बारे में प्रॉब्लम वो क्वेश्चन सॉल्व किए। नाउ आवर टुडेज टॉपिक इज लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब LCM, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब LCM। अब देखो, मैं आप लोगों को LCM का एक एग्जांपल सिखा देती हूँ। LCM ऑफ 20, 25 एंड 30, इफ वी वांट टू फाइंड आउट LCM, क्या फाइंड करना है हमको? LCM मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल आप लोगों को पता है, तो उसमें से कॉमन मल्टीपल्स निकालना है। जैसे कॉमन फैक्टर्स निकालते थे, वैसे कॉमन मल्टीपल निकाल के उसका लोएस्ट कॉमन सबसे छोटा मल्टीपल लेना है। तो इसके लिए हम डायरेक्ट ये वाली मेथड ही करेंगे। आप पहले के स्टैंडर्ड में भी सीख चुके होंगे ये चीज। 20, 25 एंड 30 को इस तरह से लिख दो। अब प्राइम फैक्टर से ही डिवाइड करना है, यहाँ पे भी जैसे HCF में करते थे, प्राइम फैक्टर से डिवाइड। पर तीनों को साथ में देखना है, जैसे ये 2 से डिवाइड होता है, ये भी होता है, कोई भी एक नंबर भी 2 से डिवाइड होता है तो हम यहाँ पे 2 लिख देंगे। अब 20 को 2 से डिवाइड करो तो 10 आ जाएगा, 25 2 से डिवाइड नहीं होगा तो उसको 25 ही ला दो, नीचे कॉपी कर दो। 30 2 से डिवाइड होगा तो आ जाएगा 15, ठीक है। अब 10 फिर से 2 से डिवाइड होगा तो 2 लिखो और वहाँ हो जाएगा 5, अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो। 25 2 से डिवाइड नहीं होगा, 15 भी 2 से डिवाइड नहीं होगा। अब 3 से डिवाइड करो, 5 नहीं होगा, 25 नहीं होगा, 15 होगा, 3 से डिवाइड आंसर आएगा 5। अब 3 से कोई भी डिवाइड नहीं हो रहा है तो हमारा नेक्स्ट प्राइम नंबर है 5, तो 5 से होगा, 5 से 5 डिवाइड होगा 1, 25 5 से डिवाइड होगा 5 1। अब यहाँ क्या बाकी रहा? 5, तो 5 से डिवाइड करो, 1 को नीचे ला दो, 5 को 5 से डिवाइड किया 1 और ये 1, सारे नंबर्स के नीचे 1 आ जाए वहाँ पे हमारा सम कंप्लीट होता है। अब इसका LCM फाइंड करने के लिए LCM इज इक्वल टू, ये बाहर जो भी नंबर्स आए ना उनको मल्टीप्लाई करना है। क्या नंबर आए? 2 × 2 × 3 × 5 × 5, सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करो। तो क्या आएगा मल्टीप्लाई करने से? देखो, 300, क्या आएगा? 300, ओके। सो आवर LCM इज 300। ये है LCM फाइंड करने की मेथड। अब मैं आप लोगों को सिखाऊंगी एक्सरसाइज 3.7। देखो, मैंने यहाँ सॉल्व करके रखी है तो आप लोगों को मैं समझा दूंगी, क्योंकि एक्सरसाइज बड़ी है, हमारा सिलेबस भी ज़्यादा है, यूनिट टेस्ट भी आ रहे हैं और फर्स्ट सेम एग्जाम भी आ रही है, तो मैं सॉल्व करके ही रखा है। देखो, आप लोग समझ लो। एक्सरसाइज 3.7 का फर्स्ट क्वेश्चन रीड करो। रेणु परचेजेस 2 बैग्स ऑफ फर्टिलाइजर ऑफ वेट्स 75 केजी एंड 69 केजी। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट विच कैन मेजर द वेट ऑफ द फर्टिलाइजर एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। तो यहाँ पे मैक्सिमम वर्ड दिया है, मैक्सिमम मतलब हाईएस्ट, तो मैक्सिमम वाला वर्ड जहाँ पे भी आए तो हमको फाइंड आउट करना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब हमारा HCF, ठीक है। तो देखो, आप लोग क्या लिखोगे, ये नोटबुक में से आप कॉपी कर लेना। टू फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट विच कैन मेजर द वेट ऑफ द फर्टिलाइजर एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स वी हैव टू फाइंड द HCF ऑफ 75 एंड 69। तो फाइंड करो HCF 75 और 69 का। मैंने आप लोगों को मेथड सिखा दी है HCF की, तो इस तरह से दोनों के बाहर जो आया वो लिखा और दोनों में जो कॉमन आया वो ले लिया, हमारा HCF 3, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया।
और प्रॉब्लम्स हमें, इसलिए हम यहाँ पे सेंटेंस लिखेंगे द रिक्वायर्ड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट इज इक्वल टू 3 kg. ठीक है. नाउ अवर सेकंड क्वेश्चन. थ्री बॉय स्टेप ऑफ टूगेदर फ्रॉम द सेम स्पॉट. तीन बॉयज क्या कर रहे हैं, एक ही जगह से चलना स्टार्ट कर रहे हैं. द स्टेप्स मेजर 63 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर एंड 77 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली. अब तीनों बॉयज चल रहे हैं तो तीनों के स्टेप तो अलग अलग आएंगे ना, कोई फास्ट चलेगा कोई स्लो चलेगा. तो एक का जो आगे बढ़ता है वो 63 सेंटीमीटर आगे बढ़ता है, दूसरा 77 और एक थर्ड वाला 77 सेंटीमीटर का स्टेप लेता है आगे आगे बढ़ने के लिए. तो व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड कवर सो दैट ऑल कैन कवर द डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप्स. अब मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा कि तीनों एक साथ तीनों के स्टेप आएंगे, कोई आधा स्टेप नहीं आएगा, तीनों के स्टेप एक साथ आएंगे. उसके लिए देखो शॉर्ट में आपको इतना याद रखना है, यहाँ वर्ड आया व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस, वर्ड कौन सा आया मिनिमम. मिनिमम मतलब लोएस्ट, मतलब यहाँ पे लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है, मतलब हमारा LCM. ठीक है, ये शॉर्ट ये कीवर्ड है, कीवर्ड बोलते हैं ना कि वो वर्ड देख के हमको पता चल जाता है कि हमको क्वेश्चन में क्या करना है. तो देखो यहाँ पे आप लोग देखो द मिनिमम डिस्टेंस ईच बॉय शुड कवर इज द LCM ऑफ, ये तीनों जो दिए ना 63 सेंटीमीटर 70 एंड 77. अब इसका LCM निकालो, जो मेथड मैंने आगे आप लोगों को पहले ही सिखा दी 63, 70 एंड 77. अब पहले 2 से डिवाइड करो, जो जो होता है, 63 नहीं होता है तो नीचे रख दो, 70 होता है 2 से डिवाइड 35 आएगा, 77 नहीं होता है ठीक है तो वही ला दो. फिर देखो एक भी नंबर 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, 3 से डिवाइड होता है तो 3 करो और इसको करो, ये दो नहीं हो रहे. फिर 3 से होगा 7 आ जाएगा, ये दो नहीं होंगे. फिर 5 रखो और ये नहीं होगा, ये हो जाएगा और ये हो जाएगा. फिर 7 से करो तो ये 1 और ये आ जाएगा 11, और 11 से करोगे तो डायरेक्ट 1, सारे 1 आ गए. तो LCM अपना हो जाएगा 2 × 3 × 3 × 5 × 7 × 11, आंसर आ जाएगा 6930 सेंटीमीटर. द रिक्वायर्ड मिनिमम डिस्टेंस इज 6930 सेंटीमीटर. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो. देखो द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ रूम आर दिस दिस एंड दिस सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली. फाइंड द लॉन्गेस्ट टेप विच कैन मेजर द 3 डायमेंशंस ऑफ द रूम एग्जैक्टली. अब क्या फाइंड करना है, लॉन्गेस्ट टेप, फाइंड द लॉन्गेस्ट. लॉन्गेस्ट मतलब हाइएस्ट हो गया, सबसे ज्यादा, हाइएस्ट के लिए HCF फाइंड करेंगे. ठीक है, तो ये हो गया आपका होमवर्क. क्वेश्चन 3 में आप लोग HCF फाइंड करोगे, किसका 825, 675 एंड 450 का HCF, और उस तरह से स्टेटमेंट लिख दोगे क्योंकि ये प्रॉब्लम्स हैं. ठीक है, नाउ क्वेश्चन 4. डिटरमाइन द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 6, 8 एंड 12. देखो डिविजिबल फाइंड करना हो ना तो LCM फाइंड करते हैं. क्या फाइंड करते हैं, LCM. तो मैंने फाइंड किया यहाँ पे द LCM ऑफ 6, 8 एंड 12 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय देम. तो LCM फाइंड करो 6, 8 और 12 का, बहुत इजी है, उसका LCM मिल जाएगा 24. अब इसमें एक चीज और दी है, देखो सिंपल LCM तो फाइंड किया लेकिन आगे उसने पूछा है डिटरमाइन द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर. तो हमको क्या करना है, 24 इज नॉट अ 3 डिजिट नंबर, हमको स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर के लिए 24 के मल्टीपल्स लिखने हैं. देखो मल्टीपल्स ऑफ 24 इज इक्वल टू, सारे मल्टीपल्स 24 को उसका टेबल लिख दो, 24 ones are 24, 24 2s are 48, 24 3s are 72, 24 4s are 96, 24 5s are 120. ठीक है, अब यहाँ पे क्यों रुक गई मैं,
हमको चाहिए स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, और ये 3 डिजिट नंबर मुझे मिल गया। अब मैं आगे जाऊंगी तो वो नंबर तो इससे बड़ा होगा, मुझे तो स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए। तो 3 डिजिट नंबर 120, 3 डिजिट का नंबर मुझे मिल गया। इसलिए ये है हमारा आंसर कि 120 इज द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख देना। नाउ क्वेश्चन 5, डिटरमाइन द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 8, 10 एंड 12। इधर भी डिविजिबल वर्ड आया, इसलिए एलसीएम फाइंड करेंगे। 8, 10 और 12 का एलसीएम लिख दो तो मिल जाएगा 120। अब देखो, डिटरमाइन द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर, आगे के सब में स्मॉलेस्ट था, यहाँ पे ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर। तो ये वाला वो ग्रेटेस्ट मत समझना कि ग्रेटेस्ट मतलब एचसीएम फाइंड करना, वो नहीं है। यहाँ पे डिविजिबल मतलब एलसीएम ही फाइंड करना है, पर ये तो एक एक्स्ट्रा उसमें ऐड किया है, दूसरा सम बनाया है उसके अंदर। तो डिविजिबल मतलब एलसीएम 120 निकाला। अब मल्टीपल ऑफ 120 लिख दो। देखो 120, 240, 360, 120 प्लस 120 प्लस 120 करते जाओगे तो इस तरह से आपको पूरी लाइन मिल जाएगी। अब ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर, अब देखो 840, 960, 1080, ये 4 डिजिट का हो गया ना, तो हमारा आंसर आएगा सबसे बड़ा 3 डिजिट का नंबर होगा 960, क्योंकि उसके उससे आगे जाएंगे तो 4 डिजिट का नंबर वो हमको नहीं चाहिए, हमको 3 डिजिट का नंबर चाहिए। तो ये हो गया आपका आंसर कि 960 इज द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 8, 10 एंड 12, ऐसे लिख दो। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, देखो क्या है क्वेश्चन 6, द ट्रैफिक लाइट्स एट 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग चेंज आफ्टर एवरी 48 सेकेंड, 72 सेकेंड एंड 108 सेकेंड रिस्पेक्टिवली। ट्रैफिक की लाइट होती है ना, वो थोड़ी थोड़ी सेकेंड्स में चेंज हो रही है। इफ दे चेंज साइमल्टेनियसली एट 7 AM, एट वॉट टाइम विल दे चेंज साइमल्टेनियसली अगेन। अब यहाँ पे क्या फाइंड करना है, देखो यहाँ पे हमको LCM फाइंड करना है, क्योंकि आगे की बात है कि ये इतने सेकंड में और ये इतने सेकंड में चेंज होती है, तो कौन से सेकंड पे वो सारी साथ में चेंज होगी। तो वो भी हो गया आपका क्वेश्चन 6, हो गया आपका होमवर्क। वहाँ पे आप लोग 48, 72 और 108 का LCM फाइंड कर दोगे। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 7, 3 टैंकर्स कंटेन दिस एंड दिस लीटर ऑफ डीजल रिस्पेक्टिवली। 3 टैंकर है डीजल के, तो इतना इतना डीजल वो लोग भरते हैं। फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ कंटेनर दैट कैन मेजर द डीजल ऑफ द 3 कंटेनर। अब यहाँ पे फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी, मैक्सिमम वर्ड आया ना, तो क्या फाइंड करोगे, HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, किसका, 403, 434 एंड 465 का HCF फाइंड करोगे और स्टेटमेंट लिख दोगे, तो वो हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, देखो, फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 6, 15 एंड 18 लीव रिमाइंडर 5 इन ईच केस। अब फाइंड द लीस्ट नंबर, लीस्ट मतलब सबसे छोटा, मतलब LCM। ठीक है, तो तीनों का LCM निकालो, 6, 15 और 18 का LCM निकालो। देखो मैंने बाकी रखा है, मैं निकाल के दिखा देती हूँ। ये तो तुम खुद भी कर सकते हो, बहुत ही सिंपल है। आपका LCM आ जाएगा 90। ठीक है, यहाँ पे कैलकुलेशन आप खुद कर देना। अब क्या करना है, लीव द रिमाइंडर 5, एक नंबर निकालो ऐसा जो अगर हम 6 से डिवाइड करते हैं वो नंबर को तो 5 रिमाइंडर बचे, वो नंबर को 15 से डिवाइड करते हैं तो भी 5 रिमाइंडर बचे, और 18 से डिवाइड करते हैं तो भी रिमाइंडर 5 बचे, ऐसा एक नंबर निकालो। तो देखो वो नंबर कैसे मिलेगा, LCM 90, मतलब 90 से अगर इनको हम डिवाइड करेंगे 1/1 तो रिमाइंडर 0 आएगा। ठीक है, तो हमको 5 रिमाइंडर बचाना है, तो हम लोगों ने क्या किया,
टू लीव रिमाइंडर 5, द लीस्ट नंबर विल बी 90 + 5, 95. अगर 95 से 95 डिवाइड बाय 6 करोगे ना तो 5 रिमाइंडर बचेगा, 95 डिवाइड बाय 15 करोगे ना तो भी 5 रिमाइंडर बचेगा, और इसमें भी. तो ये हमारा आंसर हो गया. नाउ ये स्टेटमेंट लिख देना आप लोग. नाउ नंबर 9, फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 18, 24 एंड 32. अब क्वेश्चन 9 जो है वो होमवर्क है, इट इज सेम एज क्वेश्चन नंबर 4. हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है ना यहाँ पे, कि एलसीएम फाइंड करा और फिर उसके मल्टीपल्स लिख दिए और उसमें से स्मॉलेस्ट 3 डिजिट का फाइंड किया. अब क्वेश्चन 9 में स्मॉलेस्ट 4 डिजिट का फाइंड करना है, तो आप और ज़्यादा लिखोगे, 4 डिजिट का आए सबसे पहला 4 डिजिट वाला नंबर, वो आपका आंसर हो जाएगा. जैसे यहाँ 3 डिजिट का सबसे पहला अपना आंसर था, वहाँ 4 डिजिट वाला आपका आंसर हो जाएगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स. अब ये तो सिंपल है, 9 और 4 का एलसीएम निकालना है, 12 और 5 का, ये बहुत ही सिंपल है. ठीक है, एकदम आराम से हो जाएंगे सारे एलसीएम ही आपको निकालने हैं. देखो जैसे ये आप लोग सोचोगे कि 6 और 5 का एलसीएम क्या होगा, तो कैसे, कितना सिंपल, ये 2 से किया, ये 3, 5 तो होगा ही नहीं, ये 3 से किया, 1 और 5 हो गया बाहर, तो हमारा एलसीएम हो जाएगा 2 × 3 × 5, क्या आ जाएगा, 30, बराबर. तो 30 हो गया हमारा एलसीएम. ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन है ये सारे ही. अब लास्ट क्वेश्चन नंबर 11, वो भी आपका होमवर्क है. फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन विच वन नंबर इज द फैक्टर ऑफ द अदर. अब ये ऐसे एलसीएम के क्वेश्चन है जिसमें एक नंबर दूसरे नंबर का एलसीएम है, मतलब फैक्टर है. अगर इन दोनों का एलसीएम निकालोगे ना तो क्या होगा कि 5 इज द फैक्टर ऑफ 20. ठीक है, इस तरह से ही मिल जाएगा एलसीएम ही उसका, 5 और 20 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा. ठीक है, इस तरह से मिलेगा. 6 और 18 का एलसीएम निकालोगे तो 18 ही मिलेगा. इस पर आप लोगों को निकाल के देखना है. जैसे देखो मैं बता देती हूँ, 5 और 20, ये पहला वाला क्वेश्चन है ना, मैं यहाँ बता देती हूँ. 5 और 20 का एलसीएम निकालोगे तो कैसे मिलेगा, पहले 2 से करो तो 10 आ गया, फिर 2 से करो 5 आ गया, और 5 से 1, तो 2 × 2 × 5 20, एलसीएम क्या आ गया, 20 आ गया. ठीक है, तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन द रिजल्ट्स ऑब्टेन. वी ऑब्जर्व दैट द ग्रेटर नंबर इज द एलसीएम. आप लोग ऐसा लिख सकते हो क्या, कि वी ऑब्जर्व दैट द ग्रेटर नंबर इज द एलसीएम. इसमें से जो बड़ा नंबर है वो एलसीएम है. देखो हर बार ऐसा नहीं होता है, कंफ्यूज मत होना. ठीक है, ये ऐसे ही कुछ नंबर्स दिए जिनमें ये हो रहा है, बाकी हर एक नंबर में ऐसा नहीं होता है. तो दिस वॉज द एंड ऑफ अवर चैप्टर 3. इन नेक्स्ट वीडियो वी विल कंटिन्यू अवर चैप्टर नंबर 4. थैंक यू स्टूडेंट्स.